और मैं अपने चैनल में जाकर देख रहा था, जितने भी वीडियोस थे मैं अपने सारे चैनल को एनालाइज कर रहा था। तो सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूंगा कि आप लोग हमारे चैनल पे इतना ज्यादा प्यार दे रहे हैं। जो भी लोग देखते हैं 200-300 वो अलग ही बात है, लेकिन अब मैं अपने चैनल में जाकर देखा YT स्टूडियो में कि मेरा रियल टाइम व्यूज किस किस वीडियो से भाई आ रहा है। तो मैंने जाकर देखा तो अभी भी दोस्तों मेरा वही वीडियो रैंक कर रहा है जिसपे मैंने बनाया है कि डबिंग वीडियो कैसे बनाए। यानी कहने का मतलब है कि अभी भी ऐसे लोग हैं जो कि देखना चाहते हैं कि डबिंग वीडियो कैसे बनाया जाता है और वो बनाना चाहते हैं। यानी कि दोस्तों आगे चल के इस फील्ड में काफी ग्रोथ होने वाला है, लेकिन दोस्तों ग्रोथ के साथ साथ काफी ज्यादा हानि भी होने वाला है और रिस्की ये चैनल्स होते हैं डबिंग वीडियो वाला, ठीक है। क्यों दोस्तों आप लोगों को पता ही, अगर जो लोग मेरे को रेगुलर देखते हैं और जो लोग नहीं देखते हैं, चलो मैं बता देता हूँ, रिक्सी इसलिए होने वाला है कॉपीराइट रिलेटेड जितने भी झंझट होती है ये डबिंग चैनल में है, ठीक है। स्ट्राइक क्लाइम ये सब आते हैं डबिंग चैनल में, ठीक है, और चैनल डिलेट भी हो जाते हैं, जैसे कि आपको पता है मैंने खोया है चैनल, ठीक है। अब दोस्तों मैं आप लोग बताऊंगा कि आप लोग में से ऐसे जितने भी चैनल है ना, मेरे हिसाब से 100% में से 90% ऐसे लोग हैं जो कि मेरे डबिंग से रिलेटेड चैनल से आए हुए हैं और वो डबिंग वीडियोस बनाते हैं, ये सब बनाने में उनको इंटरेस्ट है और वो यूट्यूब पे ग्रो होना चाहते हैं, ठीक है, राइट। मैंने सही बोला कि नहीं बोला, ठीक है। आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि दोस्तों यूट्यूब आजकल बहुत ही लापरवाही कर रहा है और दोस्तों देखा जाते हो कि लिखा से बहुत ही अच्छा कर रहा है, ठीक है। दोनों आप लोग मैं आप बताता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोगों को चल लेकर चलता हूँ, ठीक है। मेरा यूट्यूब चैनल का आज देखो रीच बहुत ही ज्यादा डाउन हो गया। क्यों हुआ है कि मेरे हिसाब से लगता है कि मेरे यूट्यूब चैनल पे स्ट्राइक आया हुआ था दो, जो कि हटने के बाद मेरे को लगा कि चैनल उठ जाएगा, लेकिन गाइज नहीं, ऐसा जो है रीच घट गया। और दोस्तों आज मैं आप लोगों को सच्चाई बता दूं, यूट्यूब से मैं उससे अब 1 रुपया भी नहीं कमा रहा हूँ, क्योंकि जो मतलब मेरे हिसाब से मैं 70-80 या फिर 90-100 दोस्तों के करीब मैं कमा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि जो मेरा वीडियो पॉपुलर थी, चल रही थी, उस पर ही यूट्यूब ने क्लाइम दे दिया है, सीमारो कंपनी ने दे दिया है, ठीक है। यूट्यूब को बोला है तो यूट्यूब ने हमको क्लाइम दे दिया है, ठीक है। अब भाई उस क्लाइम को तो हटा नहीं सकते क्योंकि वो कंपनी का वीडियो है भाई, वो कुछ भी कर सकती है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है दोस्तों, कॉपीराइट से रिलेटेड जितने भी झंझट होती है डबिंग चैनल में होता है, लेकिन आज मैं आप सभी को बताऊंगा इसमें फायदा भी होता है दोस्तों, ठीक है। फायदा आप लोगों में बताता हूँ। YouTube देखो दोस्तों, YouTube का कोई पता नहीं है, ये नहीं है कि आप अच्छा डबिंग करोगे तभी आपका वीडियो वायरल होगा। मेरा ही ले लो दोस्तों, मेरा हिसाब से मैं अपने हिसाब से मैं वीडियो काफी अच्छा बनाता हूँ और मैं रेगुलर वीडियो भी अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। मेरे में कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरे YouTube चैनल के साथ कमी करता है कौन, YouTube, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है भाई। मेरा तो इतने सब्सक्राइबर्स है, चलो मेरा रीच डाउन है तो होता है, लेकिन आप लोग बिल्कुल नए हो तो आपके साथ क्यों होता है कि आपका वीडियो वायरल नहीं होता है, इसका रीजन एक ही है दोस्तों, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूं, आप सबर करो, आप डेली वीडियो डालो, डेली वीडियो डालो। मैंने आज से मैंने बहुत सारे ऐसे चैनल देखा है जो कि डेली डालते थे और उनका एक वीडियो बूस्ट होने के बाद सारा वीडियो बूस्ट हो जाता है, ये 100% मेरा गारंटी है और मेरे साथ भी हुआ है और काफी लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। जितने भी आप लोग हैं, आप लोग नॉलेज जरूर ले रहे होंगे और आप सीख रहे होंगे भाई, सीखना बनता है। मैं आप लोग हमेशा बोलता हूँ कि जितने भी डबिंग चैनल को देखो, देख देख के हमको एक बहुत ही बड़ा सीख मिलता है कि आखिर ये लोग कैसे ग्रो कर रहे हैं, इनका वीडियो सजेस्ट कैसे कर रहा है, ये सब देखने से हमको सीख मिलती है। तो मैं आप लोग जितने भी डबिंग चैनल से नए लोग हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोग सबर करो और ये मत सोचना कि हमको व्यू चाहिए, व्यू चाहिए, व्यूज के लिए कुछ भी बना दे, नहीं भाई, आप अच्छे से वीडियोज बनाओ, 20 वीडियो बनाओ, 30 वीडियो बनाओ, 40 वीडियो बनाओ, 50 वीडियो बनाओ, 80 वीडियो बनाओ, उसके बाद तुम्हारा एक वीडियो सजेस्ट कर दिया और करेगा ही करेगा। क्योंकि अभी डबिंग चैनल में बहुत ही कम चैनल थे और जितने भी डबिंग चैनल अभी उठ के आ रही है काफी ज्यादा व्यूज ला रही है, ठीक है दोस्तों, तो उसके सजेस्टन में आपका चलने का संभावना 100% बन जाता है, ठीक है। बस दोस्तों यही बोलूंगा और इसीलिए मैं मतलब आप तुम लोग डिमोटिवेट सा हो जाते हो कि क्या करें, व्यूज नहीं आ रहा है। 80 वीडियो के बाद मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था, समझ रहे हो, इसलिए मैंने 80 बोला, 80 वीडियो के बाद मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था जिसकी वजह से आज मेरा चैनल पे 3 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है। तो बहुत बड़ा एग्जांपल हो और इसको मोटिवेशन बनाओ और वीडियो बनाना छोड़ो मत। वीडियो बनाना छोड़ोगे डीमोटिवेट हो गए भाई, उसके बाद क्या कर सकते हो, वीडियो छोड़ दोगे तो क्या, तो यूट्यूब का कुछ जाएगा क्या, नहीं जाएगा, वो तो तुम्हारा ही जाएगा, इतना दिन का मेहनत चला जाएगा, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से थोड़ा सा तुमको मोटिवेशन मिला होगा और कुछ ना कुछ जरूर जानकारी मिली होगी। वीडियो बनाना छोड़ना मत, बनाते रहना और अपने एक एक आज भाई को ऐसे ही देखते रहना, आप लोगों के लिए मजेदार मजेदार वीडियो लाता रहेगा, ठीक है। सो लव यू दोस्तों।